नहीं अभी आप आपके पास कोई नहीं है। ये एक चम्मच सुबह खाना खाने के बाद 5 ml आपने डाउन एक गिलास दूध में एक चम्मच पाउडर लेके उसको घोलना है और एक टाइम लेना है खाना खाने के बाद, ठीक है। और ये शाम को लेना और ये मल्टीविटामिन का है सीरप, इसलिए सुबह खाना खाने के बाद में 5 ml ये एक एक चम्मच सुबह शाम लेना है खाना खाने के बाद, ये लीजिए। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहिबान भी सब आ गए यहाँ और गरीबों लोगों के लिए बहुत अच्छी दवाई मिल रही है, इसलिए हमको बहुत आसान हो रहा है और बहुत शुक्रगुजार है हम इस बात का कि जो हमारे गरीबों लोगों के लिए ये हमायत हो रहा है। और इस दवाई के साथ हमको अंदाज़ा है कि हमको बहुत आज फ़ायदा मिलेगा और आगे वास्ते भी हम ये फ़ायदा उठा सकते हैं। हम सियासी के बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ तो हम जहाँ हम बसते रहते हैं यहाँ सियासी का कैंप था उसमें बहुत डॉक्टर साहिबान ने ये तशरीफ लगाई दी, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, बहुत अच्छी दवाई मिल रही है और आगे भी हम उम्मीद रखता है हमको ये दवाई मिलना चाहिए। सीएपी कैंप बोलते हैं इसको, सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये भारत सरकार की तरफ से अलग अलग सीआरपी को सभी को यहाँ पैसा दिया जाता है, उसके तहत जितना भी यहाँ डिप्लॉयमेंट है वो अब अपने एरिया के अंदर में कैंप लगाते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को स्वास्थ्य को चेक किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है। ये लोगों के अंदर में उनको स्वास्थ्य देने के लिए, क्योंकि जो बुजुर्ग आदमी हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं, उनको यहीं उनके नज़दीक में दवाई दी जाती है और चेकअप किया जाता है जिससे सीआरपी और लोगों के बीच में सौहार्दपूर्ण स्वास्थ्य और उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये इसलिए ये कैंप लगाया जाता है। ये इतना ही नहीं, इससे पहले भी कैंप लगाए गए हैं और कई दफ़ा कंप्यूटर का भी हम कोर्स करवाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई सेंटर का भी इसके अंदर में हम लेडीज़ के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। आने वाले समय भी जैसे वैसो के अंदर में कैंप लगाया था, वहाँ के सरपंच ने बताया गया कि हमारे वीकर सेक्शन के कुछ कर्मचारी हैं उनके लिए राशन के लिए, तो हमने ऊपर इसके DIG और IG महोदय से बातचीत किया है, उनको भी हम राशन भी उनको प्रोवाइड करेंगे।